अरे कृष्णा, केरला स्टोरी इस मूवी पे भगवद गीता के दृष्टिकोण से हम क्या रोशनी डाल सकते हैं। केरला स्टोरी ये अभी मूवी जो है ये बहुत विवादास्पद और लोकप्रिय हुआ है। उसमें एक भयावह कहानी बताई गई है, कैसे केरला में कई युवतियों को गुमराह करके फिर उनका के साथ अत्याचार हुआ, जब उन्हें ISIS के आतंकवादियों के लिए शोषण के वस्तु बनाया गया। तो उसमें कितने लोगों के साथ हुआ इस पे बड़ा विवाद हो रहा है, पर किस एक व्यक्ति के साथ भी ऐसे हुआ है होगा तो वो सारी मानवता के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। और भगवद्गीता की दृष्टि से हम इस पे चर्चा आज करेंगे, चार मुद्दों को लेके। इसको इंग्लिश में बताऊंगा कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, फोर सीज जो है इंग्लिश में, उनको मैं भी उस पर विस्तार करूंगा। आजकल के समाज में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है सनातन धर्म के आधार पर, वह अभी भी विद्यमान है, पर उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो विचारधारा है, वह बहुत से लोगों को पता नहीं है। क्योंकि इसके साथ जो तत्वज्ञान था और तत्वज्ञान सिखाने की जो शिक्षण पद्धति थी, वह अभी काफी हद तक उद्भस्त हो चुकी है। और जो पिछले पीढ़ियों के लोग थे, जो आज 40-50 साल के हैं, 60, वो शायद वो जो हमारी परंपरा है उसके प्रति थोड़ा आदर होने के कारण फिर भी ये संस्कृति का पालन करते हैं, पर जो युवक है वो अलग अलग संस्कृतियों से उनकी जांच पहचान होती है, उनकी टीवी पे देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और उसके कारण ये जो संस्कृति है उनको शायद वो बहुत पिछड़ी लगती है, वह उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं लगती है, लॉजिक नहीं लगता है। इसलिए वो अगर कोई कोई उनको प्रभावित कर देता है, कुछ और आकर्षित लगता है, तो फिर वो छोड़ देंगे। और कभी कभी जब छोड़ देते हैं तो वो और ही रिग्रेसिव, और ही जो बहुत ही शोषण करने वाली संस्कृति में वो शायद वो गुमराह हो सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षण देना, कल्चर के प्रति कन्विक्शन, नहीं कि ओबीडियंस नहीं, पर कन्विक्शन, जो व्यक्तिमत के रूप में उसका कैसे उसमें विश्वास बढ़ाना है, यह बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने भक्ति का विश्व भर में विस्तारित रूप से प्रचार किया है, भारत के सब प्रधान आध्यात्मिक नेताओं में से एक है वो, तो उन्होंने ये बताया कि जो मंदिर होते हैं वे वास्तव में एक तरह से आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, शिक्षण क्षेत्र होने चाहिए। और ये केरला स्टोरी के कारण यदि तीन प्रकार के लोग, जो धार्मिक आध्यात्मिक नेता है, वह उनको प्रेरणा मिलती है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उसका और विस्तारित रूप से और रैशनल पद्धति से और बुद्ध लॉजिकल पद्धति से उसका प्रचार करे और उसको और लोगों तक पहुंचाए। और जो माता पिता है, जो बाकी और जिम्मेदार लोग हैं जो धर्म के बारे में परवाह करते हैं, उन्हों उन्हें शायद मिलके कुछ फोरम्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसे पद्धतियां बनानी चाहिए जिससे कि लोगों के पास ये ज्ञान और आसानी से पहुंच सके। और जो युवक है, शायद उनमें जिज्ञासा आनी चाहिए कि शायद मैं ऐसे गुमराह नहीं होना चाहता हूं, मैं ऐसे प्रभावित बहका नहीं जाना चाहता हूं। तो अभी ये प्राचीन संस्कृति का लोग इसकी निंदा करते हैं, पर ये हजारों सालों से आ रही है। क्या हजारों सालों तक लोग जो थे वो मूर्ख थे इसको पालन करने में? शायद इसके पीछे कोई विचारधारा है, कोई बुद्धि है, कोई तत्व ज्ञान है, शायद मुझे जानने का प्रयास करना चाहिए। तो जो लोग इस तरह से उत्सुक है, तो उनके लिए कुछ तीन जो गलत धारणाएं हैं जो इस मूवी में प्रस्तुत किए गए हैं, उसका हम प्रतिकार करने का प्रयास करेंगे इस यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दूसरा सी जो यूज करूंगा वो है कंसिस्टेंसी। केरला स्टोरी में बताया गया है कि कैसे जो हिंदू धर्म में भगवान है राम, वो अपनी पत्नी का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका संरक्षण क्या करेगा? केवल अल्लाह ही संरक्षण करेगा। तो यदि यह हम मापदंड है भगवान के संरक्षण का, कि भगवान हमारी अपेक्षा के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार, हम जब चाहे तब हमारा संरक्षण करे, तो यह मांग
किसी भी धर्म के इतिहास में, उस धर्म के ग्रंथों में ऐसी मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमारे 24/7 बॉडीगार्ड नहीं है। तो हम इस्लामिक धर्म में ही देख सकते हैं कि जो अल्लाह के सबसे विख्यात अनुयायी, भक्त, प्रचारक माने जाते हैं, उनकी पहली पीढ़ी जो थी इस्लाम की, जिन्होंने इस्लाम का बहुत प्रचार किया, वह उनको भी मक्का को छोड़ के मदीना भागना पड़ा। तो अल्लाह ने उनका मक्का में संरक्षण क्यों नहीं किया? तो एक मापदंड एक धर्म के लगाना और दूसरा खुद के धर्म के दूसरा मापदंड लगाना, यह भ्रांत है, गलत है। ये तो पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कि कंप्लीटनेस। कोई भी कहानी है उसका आधा भाग लेके उसकी निंदा की जा सकती है। कोई मूवी है उसमें हीरो जब बार बार पीटा जा रहा है, वो दिखा के बोल सकते हैं कि हीरो, ये जो हीरो है कमजोर है, निकम्मा है। पर पूरी कहानी देखिएगा तो वो हीरो बाद में विलन को हराता है। तो हम देखते हैं प्रभु श्री राम, वो न केवल सीता का संरक्षण करके वो पुनः मिलन होता है, पर उसके साथ साथ वह रावण जैसे अत्याचारी असुर का भी विनाश करके विश्व को उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। इतना ही नहीं है कि हम शिवजी की कहानी देख सकते हैं, उसमें मूवी में बताया गया कि शिवजी तो उनकी पत्नी गुजर जाती है तो वो विलाप में स्मशान घाट में घूमते रहते हैं, वो क्या आप सबका संरक्षण करेंगे? तो वही कहानी को पूरी हम देखते हैं तो हाँ, सती की मृत्यु होती है, पर उसके बाद में सती का पुनर्जन्म भी होता है और पार्वती के रूप में वो शिव जी के साथ हमेशा है। और ये दो जो उनका कोई संबंध नहीं, ऐसे चीजों को साथ में लाया गया है। यहाँ पे शिव जी स्मशान घाट में रहते हैं, पर क्यों रहते हैं? न कि वो विलाप कर रहे इसलिए, पर क्योंकि जो लोग विलाप में है, जो लोग तमस में है, अज्ञान में है, जो लोग स्मशान घाट में, उन पे भी शिव जी करुणा करते हैं, उनका भी उद्धार करने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो दिव्य भगवान है और भगवान जैसे दिव्य व्यक्तियां है, जब वह उनके जीवन में से दुख क्यों आता है? वह क्या इसका मतलब है अगर उनके जीवन में दुख आता है तो वह हमारा संरक्षण नहीं कर सकते हैं? नहीं, वह कुछ दर्शा रहे हैं कि इस जगत में दुख सबके जीवन में आएगा, उसको हम टाल नहीं सकते हैं, पर अगर हम धर्मनिष्ठ जीवन जीते हैं तो फिर धीरे धीरे सब लोग दुख के पर जा सकते हैं। जैसे शिवजी पार्वती से मिलते हैं, जैसे प्रभु श्री राम सीता से पुनः मिलना होता है, तो एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड। इफ थिंग्स आर नॉट येट ओके, इट इज नॉट येट द एंड। और तीसरी चीज है कंसेप्ट। यहाँ पे एक आरोप है कि कृष्ण तो अपने गोपियों के साथ खेल रहे हैं, लीला वो गोपियों के साथ मजा कर रहे हैं, तो वो आपका कैसे रक्षण करेंगे? तो वास्तव में ये जो है यहाँ पे भगवान को वैदिक संस्कृति में बताया गया है, वैदिक शास्त्रों में, कि वो भगवान को अपना भगवत्व दर्शाने में कोई आनंद नहीं मिलता है। वह ऐसे इनसिक्योर व्यक्ति नहीं कि जिनको हमेशा दर्शाना है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, तुम भूलो मत, मेरे डर में रहो। नहीं, भगवान को आनंद मिलता है न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरों में डर निर्माण करने में, पर अपना सौंदर्य का प्रदर्शन करके एक अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के। और इस प्रेम के आदान प्रदान के लिए कभी कभी भगवान जो होते हैं वह अपना भगवत्व को छुपा देते हैं, और वह जैसे कोई ड्रामा है उसमें एक भूमिका करते हैं। इस ऐसे ड्रामा को लीला कहा जाता है, और लीलाओं में भगवान कभी कभी एक साधारण व्यक्ति की भूमिका करते हैं। मान लीजिए कि बहुत ही शक्तिशाली कोई मिलिट्री जनरल है, वह सारे राष्ट्र का संरक्षण करने के लिए सक्षम है, पर वह जब अपने छोटे बेटे या पोते से प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है तो शायद वह एक असह्य शक्तिहीन साधारण नागरिक की भूमिका करता है। पर अगर उसका बेटे को, उनके बेटे बेटे या पोते को खतरा आ जाता है, तुरंत वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तुरंत वो संरक्षण करने में सक्षम है। उसी तरह से भगवान एक छोटे बालक के रूप में हो सकते हैं, पर जब वृंदावन के भक्तों को तूफान और वर्षा से खतरा आ जाता है तो भगवान अपनी दिव्यत्व का प्रदर्शन करके वो गोवर्धन को उठाकर वह उनका संरक्षण करते हैं।
भगवान गोपियों के साथ भी हो, गोपियां उनके भक्त है, भगवान एक भूमिका निभा रहे हैं जिसमें वे एक युवक की भूमिका लेते हैं, उनके जो महान भक्त है वो युवतियों की भूमिका लेते हैं, और प्रेम का आदान प्रदान होता है। भक्ति के तत्व ज्ञान में ऐसे बताया गया कि भगवान संपूर्ण हर प्रकार का आनंद का अनुभव करते, हर प्रकार के रिश्तों में जो आनंद है वो अनुभव करते। भगवान उन आनंदों से क्यों वांछित रहे जिसे हम अनुभव कर रहे, पर जो भगवान लीलाओं के द्वारा प्रेम का आदान प्रदान करके आनंद ले रहे हैं, ऐसे नहीं है कि तब भगवान उनके भगवत को भूल गए हैं। तभी भी भगवान अपनी शक्ति के साथ जब भी जरूरत पड़ेगी जिस किसी का भी संरक्षण करने के लिए सक्षम है। भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, पर साथ साथ वो हम सबके हृदय में है, और वह हम सब को मार्गदर्शन करने के लिए और हम सबका उद्धार करने के लिए सक्षम है। जब हम ऐसे समझते हैं कि भगवान प्रेम भक्ति के इतने भूखे प्यासे है कि वे चाहते हैं कि वे अपने भगवत को छुपा देते हैं जिससे कि प्रेम का आदान प्रदान हो, तो ऐसे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जागृत हो सकता है आसानी से। और जब हम यह संकल्पना यह कंसेप्ट समझते हैं तो फिर हम उनकी लीलाओं को न केवल समझ सकते हैं पर उनकी लीलाओं के द्वारा हमारा हृदय उनकी ओर आकर्षित हो सकता है, और वही भगवान का परम संरक्षण है कि वो हमें इस दुख भर जगत में हमारे मन को हमारे हृदय को जीत लेते हैं और हमारे हृदय में सदा वास करते हैं। तो सारांश में यह हम केरला स्टोरी से देख सकते हैं कि कैसे आजकल के युवकों में कन्विक्शन जागृत करना जरूरी है, उसके लिए शिक्षण चाहिए, और जब कोई भ्रांत आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उसका खंडन करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी एक मापदंड इस्तेमाल करना चाहिए। फिर साथ साथ कैसे हमें कोई कहानी का विश्लेषण करना है तो कंप्लीटनेस पूरी कहानी देखनी चाहिए, और जो संकल्पना है कंसेप्ट वह समझेंगे तो फिर ऐसे जो फालतू आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं उससे कोई मोहित नहीं होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।